नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 26 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 26 नवंबर के करंट अफेयर, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 नवंबर को मनाया जाता है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। तो देखिए, 1 नवंबर को 8 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन कौन से? एक तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग होकर बना छत्तीसगढ़, फिर पंजाब, केरल, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और हरियाणा और कर्नाटका। ठीक है, इन 8 राज्यों का 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को सर चंद्रशेखर वेंकटरमन जी की जयंती मनाई जाती है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस मनाया जाता है, 18 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, और विश्व पुरुष दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को दो दिवस मनाए जाते हैं, एक विश्व शौचालय दिवस और एक विश्व पुरुष दिवस। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, और 21 नवंबर को भी दो दिवस मनाए जाते हैं, विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य दिवस। और देखिए दोस्तों, आज है 26 नवंबर, और 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत का संविधान दिवस। देखिए, हमारा देश आजाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनके 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार के द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया था, तथा 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। और इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। किसे? 26 नवंबर को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया था, और गणतंत्र भारत में 26 नवंबर 1950 से संविधान अमल में लाया गया था, यानी 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन संविधान निर्माता समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सर हरिसिंह गौर का जन्मदिवस भी होता है। ठीक, और देखिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने हाथ से लिखी थी, और संविधान की असली प्रतियां हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में लिखी गई है। संविधान 25 भागों, 470 अनुच्छेदों और 12 सूचियों में बटा भारतीय संविधान किसी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित है, और 8 अनुसूचियां थी, किंतु विभिन्न संशोधन के परिणाम स्वरूप वर्तमान में इसमें कुल 470 अनुच्छेद 25 भागों में विभाजित और 12 अनुसूचियां है। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्वीज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और 5 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं, और इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और जो दोस्तों कल क्वीज हुआ था हमारा 100वां, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो खुशी की आई है, सेकंड रैंक निगवाल की आई है, और जो थर्ड रैंक है वो सुधा की आई है। तो दोस्तों, आप भी इस क्वीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, साइबर तहसील यानी हाईटेक राजस्व कोर्ट का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा दोस्तों? तो ये होगा हमारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया ने अरब सागर में दुर्गम चैनल को पार कर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भिंड डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भिंड डिस्ट्रिक्ट। और देखिए दोस्तों, हम बात करें भिंड डिस्ट्रिक्ट की, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये भी भिंड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 838 है। ठीक है, यानी 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 838 महिलाएं हैं। जो भिंड का मालनपुर क्षेत्र है, ये औद्योगिक विकास केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर सैनिक स्कूल भी प्रस्तावित है। हमारे मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है? रीवा डिस्ट्रिक्ट में है।
और जो दूसरा सैनिक स्कूल खुलने वाला है वो कहाँ पर, भिंड डिस्ट्रिक्ट के मालनपुर में खुलने वाला है। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो सबसे छोटी तहसील है रौन तहसील, ये भी किस डिस्ट्रिक्ट में है, भिंड डिस्ट्रिक्ट में है। और भिंड डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो भिंड डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख नदियाँ चंबल है, सिंधु है और कुआरी है। ठीक है, चंबल सिंधु कुआरी प्रमुख नदी है भिंड डिस्ट्रिक्ट की। इंद्र सिंह लोहिया जी के द्वारा कैटेलिना चैनल कब पार किया गया था, 2019 में 11 घंटे 34 मिनट में पार किया गया था। इंग्लिश चैनल कब पार किया था इन्होंने, 2018 में। ठीक है, और 16वीं नेशनल पैराओलंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप जयपुर में इनके द्वारा 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। और 17वीं नेशनल ओलंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप उदयपुर में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद स्टेट ओपन चैंपियनशिप सिडनी ओलंपिक पार्क एक्वाटिक सेंटर ऑस्ट्रेलिया 2017 में इनके द्वारा 1 गोल्ड मेडल जीता गया था। और पैरा इंटरनेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप टेन्यू कनाडा 2016 में 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। देखिए दोस्तों, सत्येंद्र सिंह लोहिया को 2019 में नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है, और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था, देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा दिया गया था। उसने हमारा इंटरनेशनल आइकॉनिक फैशन शो जूनियर कॉम्पिटिशन में मध्य प्रदेश के किस जिले की जपलीन कौर ने फर्स्ट अवार्ड हासिल किया है दोस्तों, तो इनका संबंध हमारा मध्य प्रदेश के देवास डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ये है जपलीन कौर, इन्होंने हाल ही में मुंबई में आयोजित इंटरनेशनल आइकॉनिक फैशन शो जूनियर कंपटीशन में फर्स्ट अवार्ड जीता है। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य MOU साइन किया गया है। ठीक है, किसके किसके मध्य, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य एक MOU साइन किया गया है। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 1962 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1962 में हुई थी हमारे मध्य प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना। ठीक है, और बात करें 1995 की, तो मध्य प्रदेश ने अपनी प्रथम खनिज नीति कब घोषित की थी, ये 1995 में की थी। ठीक है, और दोस्तों मध्य प्रदेश ने अपनी दूसरी नवीन खनिज नीति कब घोषित की थी, 2010 में की थी। तो याद रखिएगा 1962 में मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना की गई थी, 1995 में मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी, और मध्य प्रदेश की दूसरी नवीन खनिज नीति कब घोषित की गई थी, 2010 में। मध्य प्रदेश खनिज निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। अब बात करें हम मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो देखिए मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। दोस्तों एक ऐसा बैंक है जो ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनके जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराता है। दोस्तों नाबार्ड के मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित राज्य ऋण वेबिनार 2022-23 का आयोजन कब किया गया, तो ये 25 नवंबर को किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 25 नवंबर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें नाबार्ड फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में है। इसके अभी चेयरमैन कौन है दोस्तों, गोविंद राजुलू चिंताला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कृषि क्षेत्र में किसानों की उद्यमिता को बढ़ाने की प्राथमिकताओं को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक नाबार्ड ने मध्य प्रदेश में किसानों के लिए फसल ऋण पर 1,18,288 करोड़ रुपए और कृषि सावधि ऋण पर 693 करोड़ रुपए देने का अनुमान लगाया है। वर्ष 2022-23 के लिए 2,42,967 करोड़ कुल ऋण का अनुमान है, जिसमें से लगभग 74% कृषि क्षेत्र को मिलेगा। MSME यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के तहत 39,267 करोड़ एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, नवकरणीय ऊर्जा, अन्य और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर 22,715 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध हो पाएगा। यह जानकारी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नाबार्ड के मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित राज्य ऋण वेबिनार 2022-23 में दी गई है। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री है जगदीश देवड़ा,
तो इन्होंने ब्याज भंडारण पर बैंकेबल मॉडल योजना की पुस्तिका और स्टेट फोकस पेपर का विमोचन भी किया है। और हमारे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती टीएस राजीगेन की उपस्थिति में बैतूल जिले के आठनेर की कुटीर एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के रसायन मुक्त शुद्ध मसाले और जैविक उत्पादों के चलित वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रोफेसर आफाक अहमद स्मृति सम्मान 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया संतोष चौबे को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संतोष चौबे, और यह है संतोष चौबे। और दोस्तों जनाब जिया फारूकी को राष्ट्रीय अवार्ड बराए उर्दू अदब से अलंकृत किया गया है। तो देखिए, सबरंग साहित्यिक सांस्कृतिक एवं कला समिति भोपाल और हल्का ए अरबाब ए अदब के संयुक्त तत्वाधान में सुविख्यात साहित्यकार प्रोफेसर आफाक अहमद की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय अवार्ड बराए हिंदी अदब से संतोष चौबे, वरिष्ठ कवि कथाकार निदेशक विश्वरंग और कुलाधिपति रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय को समारोह पूर्वक अलंकृत किया गया है। और यह राष्ट्रीय अवार्ड समारोह राज्य संग्रहालय हिल्स भोपाल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनाब जिया फारूकी को राष्ट्रीय अवार्ड बराए उर्दू अदब से अलंकृत किया गया है। तो प्रोफेसर आफाक अहमद के निधन के बाद सबरंग कल्चर सोसाइटी और हल्का अरबाब अदब द्वारा प्रोफेसर आफाक अहमद मेमोरियल नेशनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रख्यात उर्दू लेखक प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी और हिंदी प्रतिनिधि लेखक और कवि राजेश जोशी को 1919 में दिया गया था। प्रोफेसर आफाक अहमद को उर्दू और हिंदी साहित्य में सेतु माना जाता था। वह मध्य प्रदेश के प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कलाकार को उर्दू के साथ उनके नाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हमारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा मनोज श्रीवास्तव को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मनोज श्रीवास्तव। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2020 मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2019 डॉक्टर विनय राजाराम, और राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2018 गोरट्टी वैकन्नु, राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2017 कवि नरेश सक्सेना। तो 2017 का कवि नरेश सक्सेना को, 2018 का गोरट्टी वैकन्नु को, 2019 का डॉक्टर विनय राजाराम को और 2020 का मनोज श्रीवास्तव को राष्ट्रीय कवि सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों ये सम्मान किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग की मंत्री कौन है दोस्तों? ऊषा ठाकुर है। ठाकुर जी के पास पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग एवं अध्यात्म विभाग है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय कबीर सम्मान की, तो यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं में लिखी गई भारतीय कविता के उत्कृष्ट कवि को दिया जाता है। कबीर पुरस्कार की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1986 में की गई थी। इस पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों? 3 लाख रुपए है। प्रशस्ति पट्टिका, शॉल और श्रीफल दिया जाता है। पहले इसकी पुरस्कार राशि कितनी थी? 1.5 लाख रुपए थी, अब इसको 3 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम 1986-87 में यह पुरस्कार कवि गोपाल कृष्ण को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? गोपाल कृष्ण को। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित वर्ष 2019 और 2020 के लिए बहुआयामी विधाओं के क्षेत्र में 23 राष्ट्रीय और 9 राज्य सम्मानों की घोषणा कर दी गई है। और संस्कृति मंत्री ऊषा ठाकुर ने सम्मानित होने वाले साहित्यकार, कलाकार और संस्थाओं को बधाई दी है। और वर्ष 2019 का राष्ट्रीय कबीर सम्मान डॉक्टर विनय राजाराम भोपाल के है ये, और 2020 का मनोज श्रीवास्तव ये भी भोपाल के है, तो इनको प्रदान किया जाएगा और इसके तहत 3 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शास्त्रीय गायन के लिए कालिदास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा पंडित भजन सुपुरई को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंडित भजन सुपुरई। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कालिदास सम्मान की, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की। देखिए, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान सांस्कृतिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश का ही नहीं समूचे भारत का सबसे बड़ा अलंकार सम्मान है। देश के संस्कृति विभाग द्वारा 1980 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। यह पुरस्कार शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपांकर कला, कला संस्कृत एवं रंगकर्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। और 1980-81 में श्री सुमन गुडी, श्री निवास अय्यर को दिया गया था। तो इनका नाम याद रखिएगा, पहला राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे दिया गया था? श्री सुमन गुडी और श्री निवास अय्यर को दिया गया था। और यह पुरस्कार वर्ष 2013 से संस्कृत के क्षेत्र में दिया जाने लगा है। और इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए नगद एवं प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है। पूर्व में इसकी राशि 1 लाख रुपए थी। और प्रारंभ में यह पुरस्कार केवल शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता था। यह शास्त्रीय संगीत के लिए किसे दिया गया था?
सुमन गुडी को और श्रीनिवास अय्यर को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन बाद में इसमें चार क्षेत्र और जोड़ दिए गए और वर्ष 2013 से एक और क्षेत्र जोड़ दिया गया। कौन सा? संस्कृत साहित्य जोड़ दिया गया है। तो हम शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की बात करें तो 2019 का पंडित अभय नारायण मलिक को दिया गया है, ये नोएडा से है। और शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2020 का पंडित भजन सुपोरी को दिया गया है, ये न्यू दिल्ली से है। ठीक है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? सुनैना हजारीलाल को। और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में 2020 का जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है ये शांता वीपी धनंजय को सम्मानित किया है और ये चेन्नई से है। अब रूपंकर कलाए की बात करें, रूपंकर कलाए के क्षेत्र में 2019 का जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है ये किसे दिया गया है? परमजीत सिंह को, ये न्यू दिल्ली से है। और 2020 का ध्रुव मिस्त्री को दिया गया है, ये बड़ौदा से है। ठीक है, रंगकर्म के क्षेत्र में बात करें, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2019 से डॉक्टर अनिल रस्तोगी को सम्मानित किया गया है, ये लखनऊ से है। और रंगकर्म 2020 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे दिया गया है? वामन केंद्रे को दिया गया है, ये मुंबई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मैथिलीशरण गुप्त सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। और 2019 का मैथिलीशरण गुप्त सम्मान किसे मिला है दोस्तों? डॉक्टर शिवकुमार तिवारी को। ठीक है, 2019 का डॉक्टर शिवकुमार तिवारी को और 2020 का डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को। और शमशेर बहादुर सिंह को पहला मैथिलीशरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया था। कंफ्यूज मत होना, देखिए 2017 का जो मैथिलीशरण गुप्त सम्मान है ये किसे मिला था? राजेश जोशी को मिला था। 2017 का मैथिलीशरण गुप्त सम्मान किसे मिला था? राजेश जोशी को मिला था। और 2020 का किसे मिला है? सच्चिदानंद जोशी को मिला है। ठीक है, तो बता दूं, देखिए 2017 का राजेश जोशी को, 2018 का मंजूर एहतेसाम को, 2019 का शिवकुमार तिवारी को और 2020 का डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को। और पहला मैथिलीशरण गुप्त सम्मान किसे दिया गया है? शमशेर बहादुर सिंह को। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय मैथिलीशरण गुप्त सम्मान की, तो हिंदी कविता में उल्लेखनीय योगदान हेतु यह पुरस्कार 1987-88 से प्रतिवर्ष दिया जाता है और 1900 है। ठीक है, और इस पुरस्कार के अंतर्गत 2,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि, पूर्व में 1,00,000 रुपए थी और प्रशस्ति पत्रिका दी जाती है। मैथिलीशरण गुप्त सम्मान 1987-88 में किसे दिया गया था? शमशेर बहादुर सिंह को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2020, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा अमिताभ भट्टाचार्य को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अमिताभ भट्टाचार्य को मिलेगा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2020, अशोक मिश्रा जी को मिलेगा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2019 और राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ऋषिकेश मुखर्जी है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? 1997 से हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बात करें हम, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2017 किसे दिया गया था? प्रिय दर्शन को दिया गया था। 2018 का किसे दिया गया था? वहीदा रहमान को दिया गया था। ठीक है, 2017 का प्रिय दर्शन, 2018 का 2019 का अशोक मिश्रा, 2020 का अमिताभ भट्टाचार्य और पहला राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया था? ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया था। बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की दोस्तों, तो यह पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा 1997-98 से दिया जा रहा है और इस पुरस्कार के तहत 2,00,000 रुपए तथा प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है। पूर्व में इसकी पुरस्कार राशि कितनी थी? 1,00,000 रुपए थी। जो प्रथम राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान है ये ऋषिकेश मुखर्जी को 1997 में दिया गया था। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा शैलेश सिंह को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2020 किसे दिया जाएगा? शैलेश सिंह को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2019 किसे दिया जाएगा? आनंद मिलिंद को। और दोस्तों राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1984-85 से की गई थी और जो पहला राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान है ये किसे दिया गया था? नौशाद अली को दिया गया था। 2017 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान है ये किसे मिला था? सुमन कल्याणपुर को। पार्श्व गायिका थी दोस्तों, तो 2017 का सुमन कल्याणपुर को मिला था। 2018 का कुलदीप सिंह को मिला था, संगीतकार है ये। और 2019 का आनंद मिलिंद को मिला है, 2020 का शैलेश सिंह को मिला है। पहला राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे मिला था? नौशाद अली को मिला था। ठीक है, और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की,
तो मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा 1984 से यह पुरस्कार सुगम संगीत में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। और इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए, पहले इसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए थी, और प्रशस्ति ताम्रपत्र साल श्रीफल दिया जाता है। और वर्ष 1984-85 में सर्वप्रथम यह पुरस्कार संगीत निर्देशक श्री नौशाद अली को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इकबाल सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो इस बार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 2020 से अली अहमद फातमी को सम्मानित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अली अहमद फातमी। ठीक है, देखिए दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 2020 की, ठीक है, तो ये मिलेगा अली अहमद फातमी को, और 2019 किसे दिया जाएगा? जाकिया मसहदी को। ठीक है, और जो अली सरदार जाफरी है, ये राष्ट्रीय इकबाल सम्मान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, और देखिए राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 2017 की बात करें तो ये किसे दिया गया था? मंसूर रहमान फारूकू को दिया गया था, और 2018 का अशफनफर अली को दिया गया था, 2019 का जाकिया मसहदी को दिया गया था, और 2020 का अली अहमद फातमी को दिया जाएगा। और पहला राष्ट्रीय इकबाल सम्मान किसे दिया गया था? अली सरदार जाफरी को दिया गया था। बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय इकबाल सम्मान की, तो यह पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान हेतु 1986-87 से प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए, पूर्व में इसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए थी, अब इसको 2 लाख रुपए कर दिया गया है। एक प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है, और पहला इकबाल सम्मान जो है 1986-87 में अली सरदार जाफरी को दिया गया था। और देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सरद जोशी पुरस्कार हो गया, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान और जो शिखर सम्मान दिए गए हैं, तो इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये है बरगद का वृक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बरगद का वृक्ष। तो देखिए दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, हमारा मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, और यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है, और मध्य प्रदेश का गान कौन सा है? मेरा मध्य प्रदेश। यहाँ का जो राजकीय चिन्ह है दोस्तों, वो 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत है जिसमें धान और गेहूं की बालियां प्रदर्शित है। हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है दोस्तों? 12 सिंगा है, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का है। राजकीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? दूधराज है। ठीक है, साहा बुलबुल भी कहते हैं इसे, और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? पैराडाइज फ्लाईकेचर है। राजकीय वृक्ष बरगद हो गया दोस्तों, और राजकीय पुष्प क्या है? सफेद लिली है। हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है दोस्तों? महासीर है। और मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? माछ है। देखिए, राजकीय नृत्य की बात करें तो राई है, और राजकीय नाट्य कौन सा है? माछ है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है दोस्तों? मलखंब है। और मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन है। ठीक है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। और दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? श्री तिलकराम पेंद्राम को, डॉक्टर भारती बंधु को, श्री विक्रम यादव को, या श्री कैलाश चंद्र को? तो दोस्तों, इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।